सबसे नोबल प्रोफेशन जो दुनिया में, वो डॉक्टर और नर्सेस का है. अपनी जान को खतरे में डाल के एंड जस्ट दे ट्राई. सिर्फ एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है. दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड. जो बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है कि अगर शिफा मिल जाए तो वी थैंक अल्लाह. डॉक्टर्स को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और अगर ना मिले तो बस फिर वो फर्क सा एक एटीट्यूड होता है, समा होता है. समटाइम्स दे इवन गेट अग्रेसिव. किसी एक जगह पे एक छोटा सा लैप्स उस हॉस्पिटल में अगर आ गया है तो यू विल क्रिएट अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल काइंड ऑफ अ थिंग. ओ ये हो गया, वो हो गया, इररिस्पेक्टिव कि आपको बाकी जो तमाम जगह थी वहां पे कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिली. नर्स ने अगर आपको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर लिया, अब आप यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज अ लिमिटेशन. अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, दे ब्लेम इट ऑल ऑन डॉक्टर. हालांकि डॉक्टर के बस में नहीं है ये चीज, वो अपनी पूरी कोशिश करता है. इफ यू रियली डिजायर एक्स्ट्रा सर्विसेज, प्लीज पे मोर. टेल देम कि जी मुझे एक डेडिकेटेड डॉक्टर चाहिए जो 24/7 जो बाहर के ममालिक में होता है. आप उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जिसके लिए आपने पे नहीं किया होता. जो बंदा जिसको इलाज की जरूरत है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है. आपने परेशान होने हैं और परेशान करने हैं. बिल्कुल, आप खुद परेशान होंगे और बाय वर्चू ऑफ दैट आप बाकी तमाम लोगों के लिए परेशानी क्रिएट करें. उसमें डॉक्टर भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, नर्सेज भी हैं. मैं तो ये स्ट्रिक्टली कहूंगा कि किसी के साथ एक अटेंडेंट आप अलाउ करें. मैक्सिमम अटेंडेंट के अलावा एक विजिटर किसी को लाने की जरूरत नहीं. आज हर किसी के पास मोबाइल मौजूद है. अगर आपने देख रहे हैं तो दिस शुड बी अ वर्चुअल विजिटेशन. गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो मछली मंडी बना होता है ना. वो चाचे मामे जो कभी जिंदगी में वैसे आपके आसपास भी नहीं थे, हॉस्पिटल में गए हैं तो सब हॉस्पिटल में जाके हर कोई अपना अपने तरीके से एक कंट्रीब्यूशन शो करना कहते. अच्छा ये नहीं हुआ, लेट मी टॉक टू द डॉक्टर. टॉक ही करता रह जाएगा तो बेचारा काम कब करेगा. आप पेशेंट के कमरे में जाते हैं, उसकी एक फाइल है जिसमें उसकी रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर टेक्निकल चीजें लिखी हुई, उठा के यूं देखना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं. ऐसे पढ़ती हैं जैसे कि ये खुद उसमें पीएचडी इन्होंने किया हो. कुछ पता नहीं होता. नाम होते हैं, यू कांट इवन रीड देम मेडिकल लैंग्वेज में. माजरत के साथ सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे बड़ी जो माफिया एक बैठा हुआ है वो है जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो स्वीपर्स हैं. दे मेक योर लाइफ अ हेल एक्चुअली. रीजन बीइंग कि आपने हर रोज अगर उनको पैसे नहीं देने, वो ऐसी आपको देखती हैं जैसे आपने कोई जुल्म कर दिया उनके साथ. दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द हॉस्पिटल. हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद एंड वी आर बैक अगेन विद थिंक वेल विद अमल मास्टरविंदा. अस्सलाम वालेकुम मास्टर. भाई साहब कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड, ऑल फाइन. लास्ट मंथ फैमिली में कुछ रिलेटिव्स बीमार थे एंड दे वर हॉस्पिटलाइज्ड सैडली विद सम डेंगू इशू. आई हैड टू गो देयर एवरी डे एंड व्हाट आई सॉ ओवर देयर वाज नॉट एट ऑल गुड. अलमास द वे पीपल ट्रीट विद द मेडिकल स्टाफ, मुझे उससे बहुत हैरानी भी हुई यू कैन से, एंड आई वाज क्वाइट अपसेट ऑन दैट. They don't treat them well at all. So I just thought कि आज हम अपना जो topic रखते हैं, let's discuss about it today. ये बड़ा important है, इसलिए कि जिंदगी के किसी ना किसी फेज में हम सब लोगों को अपने पेरेंट्स के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए या अपने आप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है. This is something which everybody experience. और आप परेशानी में जाते हैं, फिर वहाँ पर जाके जब इस तरह की environment आप देखते हैं तो आप मज़ीद परेशान होती हैं कि जो जिस तरीके से जो पेशेंट है उसके साथ जो लोग हैं वो मेडिकल स्टाफ के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं और कंडक्ट कर रहे होते हैं. दिस इज समथिंग विच लाइक फॉर अदर्स देयर इन द हॉस्पिटल जो कि अपनी परेशानी के साथ हैं, उनके लिए मज़ीद परेशानी क्रिएट कर सकते हैं. तो यू हैव आइडेंटिफाइड अ वेरी जेन्युइन कॉज रीज़न एक्चुअली जिसको हमें डिस्कस करना है, उसकी रूट्स पे रूट कॉज जो है उसे डिस्कस करना है और फिर हमने ये देखना है कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है. वी ऑल बिलीव कि लाइफ एंड डेथ खुदा के हाथ में है. वी ऑल बिलीव इन दैट, इसमें कोई शक नहीं है. एंड डॉक्टर्स कैन बी अ सोर्स एंड डॉक्टर्स आर अ सोर्स आपको शफा देने के लिए. बट अगर आपकी ज़िंदगी नहीं लिखी है या आपकी शफा नहीं लिखी है तो डॉक्टर्स जो मर्जी कर लें, they can't do anything about it. But हमारा ये जो बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है कि अगर शिफा मिल जाए तो वी थैंक अल्लाह. डॉक्टर्स को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और अगर ना मिले तो बस फिर वो वहाँ पर जो एक फ़र्क सा एक एटीट्यूड होता है, समा होता है. समटाइम्स दे इवन गेट अग्रेसिव, हाथ छत भी उठाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर,
एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं. सो दे ब्लेम इट ऑल ऑन डॉक्टर. हालांकि डॉक्टर के बस में नहीं है ये चीज़. वो अपनी पूरी कोशिश करता है आपको मैक्सिमम हद तक ये शिफा देने की. इससे ज़्यादा अगर वो कुछ नहीं कर सकता. सो मैं देखिए नादिया, हमें इसको डिटेल में थोड़ा सा इस तरह से देखना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ पे वो दो तरह के बल्कि तीन तरह के हॉस्पिटल्स हैं. एक वो हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं जिन्हें गवर्नमेंट रन करती है, और फिर जब हम कहा जाता है कि ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिनके स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं हैं तो उनको हम कंपेयर करती हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ. फिर चैरिटी हॉस्पिटल जो हैं वो मौजूद हैं जो कि ट्रस्ट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इनको रन कर रही होती हैं. लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेज हों, वो उनके पास बहुत पैसे हों, मीगर रिसोर्सेज हों, हम अपने प्यारों के लिए कोशिश ये करते हैं कि वी ट्राई टू अरेंज फॉर द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट. अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो प्राइवेट में चला जाता है, नहीं कर सकता तो वो लाइक गवर्नमेंट में चला जाता है. अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या जो चैरिटी के हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत अच्छे होते तो हर कोई वहाँ जाता. जब लोग वहाँ पे नहीं जाते एंड दे ऑफ फॉर अ प्राइवेट हॉस्पिटल एक्चुअली, तो वहाँ पे वो इसलिए जाते हैं कि दे डिज़ायर द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देयर लव्ड वन एंड ऑल दैट. अच्छा, जहाँ पे ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं वो ये होती हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे दे मस्ट रियलाइज कि वो एक बिजनेस एंटिटी है. वो अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं तो दे विल चार्ज फॉर दैट आल्सो. जो ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो सब बहुत प्रोफेशनली आपको डील कर रहे होंगे. किसी एक जगह पे एक छोटा सा लैप्स उस हॉस्पिटल में अगर आ गया है तो यू विल क्रिएट लाइक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल काइंड ऑफ अ थिंग. ओ ये हो गया, वो हो गया, इररिस्पेक्टिव कि आपको बाकी जो तमाम जगह थी वहाँ पे कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिली. आपका एक एक नर्स ने अगर आपको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर लिया, अब आप यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज अ लिमिटेशन. हमारे यहाँ पे किसी एक फ्लोर पे अगर 5 कमरे हैं या 10 कमरे हैं और उसमें 2 या 3 नर्सेज अटेंड कर रही हैं तो शी कैन नॉट बी एट योर बैक एंड कॉल कि आपने वेल दी तो वो फौरन भागी आएगी. उसने अगर इफ यू रियली डिजायर एक्स्ट्रा सर्विसेज तो प्लीज पे मोर. टेल देम कि जी मुझे एक डेडिकेटेड नर्स चाहिए, यू नो मुझे एक डेडिकेटेड डॉक्टर चाहिए जो 24/7 जो बाहर के ममालिक में होता है. यहां पे भी किया जा सकता है कि यू टेल देम कि जी मुझे ये है. लेकिन अगर नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट व्हाट यू आर नॉट पेइंग फॉर एक्चुअली, यू नो आप उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जिसके लिए आपने पे नहीं किया होता. मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जो बाहर के ममालिक में देखें, बात ये है कि एक डॉक्टर्स, एक मेडिकल स्टाफ, एक नर्सेस, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में नहीं है. How to handle these kind of situation जहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो temperamental हो जाते हैं, they are worried at time, genuinely worried because life and death है, आपके जो loved one है they are at risk. वहाँ पे आपने उनको किस तरीके से handle करना है, एक crisis situation है आपकी आवरली बेसिस पे, यू नो एवरी सिंगल डे यू हैव टू डील विद इट कि आपने अपना temperament लूज नहीं करना, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना है. बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि बाहर क्यों आपको किसी एक हॉस्पिटल में मैक्सिमम एक अटेंडेंट अलाउ किया जाता है, वो भी नहीं किया जाता. यू नो रीजन बीइंग कि आपका जो बंदा जिसको इलाज की जरूरत है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है. आपने परेशान होने हैं और परेशान करना है. बिल्कुल, आप खुद परेशान होंगे और बाय वर्चू ऑफ दैट आप बाकी तमाम लोगों के लिए परेशानी क्रिएट करें. उसमें डॉक्टर भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और जो बाकी लोग हैं उन सबको भी. भाई क्यों जाते हैं आप एक अटेंडेंट छोड़े यहाँ पे 10-10 नादिया बन के बैठे होते हैं और पेशेंट के सर पे बैठे होते हैं, अपने उनके खाने चल रहे होते हैं. मुझे ये समझ नहीं आती. एक लंबा अरसा मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में मेरी वालदा की ट्रीटमेंट वहां पे हुआ करती थी. मुझे याद है जबरदस्त डिसिप्लिन होता था कि आप एक शख्स के अलावा दूसरा बंदा अंदर नहीं आ सकता था, एक अटेंडेंट होता था. अब वहाँ पे भी यही क्योस है. हमारे यहाँ पे जो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपने जो आपका मैं माजरत के साथ सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे बड़ी जो माफिया एक बैठा हुआ है वो उनके वो हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो स्वीपर्स हैं. They make your life a hell actually. Reason being
कि आपने हर रोज अगर उनको पैसे नहीं देने, वो ऐसी आपको देखती हैं जैसे आपने कोई जुल्म कर दिया उनके साथ. दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द हॉस्पिटल. दे आर द वन जिनको यू जस्ट पेड देम, जस्ट पेड देम 500 रुपीज, 1000. एक बंदा क्या, आप 50 बंदे उस हॉस्पिटल के अंदर ले जाए. दे आर द वन हु अलाउ all these kind of things actually. और रात के 12 बजे भी अलाउ कर देते हैं, you know, जब that's what I'm saying. मैं ये कहता हूँ. और फिर मुझे ये बताएं कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने अगर इस तरह को लैप्स किया है तो आप गालियां किसको निकालती हैं? फलां हॉस्पिटल. भाई रिमेंबर दिस थिंग, आप जब आज के दौर में जहां पे आप अंदर आपका बैक्टीरिया वायरस बीमारियां आप सब बाहर से लेके आ रहे हैं, आप तमाम लोगों को हॉस्पिटल के अंदर की इन्वायरमेंट को बहुत मेडिकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक रखने हैं कि यू डू नॉट ब्रिंग अलोंग ऑल दीज वायरसेस एंड द बैक्टीरिया पोस्ट ऑपरेटिव में. दिस इज ऑल यू नीड. दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो पहला सबसे बड़ा डिसिप्लिन ये होना चाहिए. मैं तो ये स्ट्रिक्टली कहूंगा कि किसी के साथ एक अटेंडेंट आप अलाउ करें, मैक्सिमम अटेंडेंट के अलावा एक विजिटर किसी को लाने की जरूरत नहीं. आज हर किसी के पास मोबाइल मौजूद है. अगर आपने देख रहे हैं तो दिस शुड बी अ वर्चुअल विजिटेशन. आपने फोन से बातें करें, फोन पे बैठ के उन्हें कहें कि देखें ये अब्बा जी ठीक है, ये अम्मी जी ठीक है, इनको देख लें. डोंट मेक देम विजिट टू द हॉस्पिटल. जब आप उन्हें विजिट करवाने के लिए आते हैं तो ये सब कियोस्क क्रिएट होता है. दे मस्ट बी अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो मछली मंडी बना होता है ना, वहां पे तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनी सच रिस्ट्रिक्शन. लिहाजा जब तक आप ये डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, और जरूरी है करें, इसमें सबकी वेलबींग शामिल है. नहीं होंगे तो ये जो आपने क्योटिक सिचुएशन की बात की ये नहीं मिलेगी. ये आएंगे तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे. देखिए हम हर रोज अपनी बीमारी के साथ नहीं रहते. कोई खास तौर पे जब इमरजेंसी होती है तो दैट इज इमरजेंसी वाला माहौल एक क्रिएट हो जाता है कि आपने पहली मर्तबा हॉस्पिटल में जाना है, पैनिक है. आपको नहीं पता कि इस तरह की सिचुएशन में चीज़ों को किस तरीके से रिएक्ट करने हैं, मैनेज करने हैं. तो वहाँ पे जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं वो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल का स्टाफ है. तो दे मस्ट काम देम डाउन, दे मस्ट यू नो एजुकेट देम. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने ये कही कि आपने लोगों को हॉस्पिटल के अंदर नहीं आने देना. एक आध बंदे को आने दें, अगर वो आएगा तो उसको समझाने में भी आसानी रहेगी. बजाय इसके कि आप हजारों लोगों को एजुकेट करें और ट्रेन करें, एक बंदे को एजुकेट आने ना दें. एक बंदे को एजुकेट करें, उसको वहां पर रहने दें, और उसको कहें कि आप बाकी सबको तुम संभालो. यू नो इंस्टेड के हॉस्पिटल के लोग जो है वो तमाम चाचे मामे जो हैं और भाई भतीजे जो हैं, चाचे मामे जो कभी जिंदगी में वैसे आपके आसपास भी नहीं थे, होता ये हॉस्पिटल में गए तो सब होता ये है कि हॉस्पिटल में जाके हर कोई अपना अपने तरीके से एक कंट्रीब्यूशन शो करना कहते. अच्छा ये नहीं हुआ, लेट मी टॉक टू द डॉक्टर. अच्छा ये उसने चेक नहीं किया, लेट मी टॉक टू द नर्स. आप टॉक ही करता रह जाएगा तो बेचारा काम कब करेगा. आप हर कोई मुझे ये बताएं कि आप पेशेंट के कमरे में जाते हैं, उसकी एक फाइल है जिसमें उसकी रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर टेक्निकल चीजें लिखी हुई, उठा के यूं देखना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं. ऐसे पढ़ती हैं जैसे कि ये खुद उसमें पीएचडी इन्होंने किया हो. कुछ पता नहीं होता, नाम होते हैं, यू कांट इवन रीड देम मेडिकल लैंग्वेज में. डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग तो अच्छा, वैसे ही डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जाती, ऊपर से वो टेक्निकल नाम आपको अच्छा ये हो गया, उफ ये हो गया, अच्छा फिर फौरन जाएंगे ये आप ये क्या लिखे ये बताएं बताएं. भाई यू आर नॉट सपोज टू नो इट. ये पेशेंट को बताना था या किसी एक बंदे को? हर बंदा जो है. सो द मोर पीपल यू लेट कम इन द हॉस्पिटल यू आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट एंड प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ. एक्चुअली इनका दाखिला बंद होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट है. मेक श्योर एक काम करना है इन्होंने कि आपने देखिए हॉस्पिटल के अंदर भी हमें एबल मैनेजमेंट की तरफ जाना है. और एबल मैनेजमेंट क्या है कि जो अटेंडेंट है उसने जहां कहीं भी इमरजेंसी क्रिएट होगी आपने मेडिसिन ला के देनी है. भाई ना मंगवाएं उससे. दुनिया के सारे हॉस्पिटल्स में मेडिसिन खुद हॉस्पिटल सप्लाई करते हैं. एक बंदा रहेगा, अगर आप चाहते हैं तो वी आर ओके, वी आर फाइन टू टेक योर पेशेंट. अगर नहीं है तो प्लीज यू कैन टेक इट समवेयर जहां पे आप अपनी पूरी फौज के साथ जाएं. यू नो आपने उसका इलाज करवाने, आपने कोई ब्याह करने के लिए नहीं जा रहे कि इतने सारे लोग आप साथ लेके जाए. अच्छा अलमास, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे नोबल प्रोफेशन जो दुनिया में है वो डॉक्टर और नर्सेस का है. अपनी जान को खतरे में डाल के एंड जस्ट दे ट्राई कि किसी तरह से भी वो आपकी जान बचा सके. ऑल दे नीड इज जस्ट रिस्पेक्ट एंड दैट्स इट. नहीं तो देखा जाए तो उनकी सैलरीज वगैरह सबकी बाकी
कि सब लोगों की कहाँ से कहाँ चली गई, ये बेचारे वहीं के वहीं बैठे रह गए. अनलेस एंड अंटिल यू आर अ वेरी बिग कंसल्टेंट एंड यू हैव योर ओन सेटअप, आई थिंक दे गेट वेरी मिनिमम सैलरी. सिर्फ एक रिस्पेक्ट की जरूरत है, दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड. अगर आप वो भी नहीं दे रहे तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम एक होना शुरू हो गया कि जब आपके साथ देखें एक आध इंसिडेंट जो है वो काफी होता है कि आपका सारे दिन का आपका मूड खराब कर दिया. बिल्कुल यू नो ये नहीं होता कि हर वक्त आप आपका अगर 10 घंटे का ड्यूटी है और आते ही आपकी मुंह मारी किसी एक के साथ हो गई है तो यू लिव विद दैट मूड फॉर द इंटायर ऑफ योर 7-8 आवर्स. और फिर जब आप किसी से कुछ सख्ती से बात करें डॉक्टर है ही बड़ा है डॉक्टर रहते नहीं पता ही नहीं कि बिहेव करना है. You know, आप नहीं अंडरस्टैंड करते आपकी एम्पथी जो बात है कि पुट योर सेल्फ इन हिज और हर शूज, देखें कि उस बेचारे के साथ सुबह कितनी बिजती किसी ने की है. यू नो अच्छा अब वो अपने आप को काम एट टाइम काम नहीं रख पाता, जब काम नहीं रख पाता तो उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं नजर आता है. चलिए हलमास थैंक यू सो मच एंड आई होप हमारी इस प्रोग्राम से लोगों का कुछ थोड़ा सा डेफिनेटली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल स्टार्ट behaving better with the medical staff. Chale, thank you so much. Thank you so much, viewers. I hope you like the show.